हाय वेलकम टू फर्स्ट चैप्टर चैप्टर ऑफ ऑफ फंडामेंटल्स कंप्यूटर साइंस एंड इस में हम बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ऑर्डर टू मेक अनब्रेकेबल एंड वर्साटाइल एप्लीकेशन सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंटैक्स एरर्स एंड एक्सेप्शन के बारे में क्या होते हैं एक्सेप्शन चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बात करते हैं व्हाट इज सिंटैक्स एरर सिंटैक्स एरर को पार्सिंग एरर भी बोला जाता है एंड ये एरर्स तब ऑकर होते हैं जब आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स एंड सिंटैक्स फॉलो नहीं करते हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है अपने रूल्स होते हैं अगर उन रूल्स को आप वायोलेट करते वाइल राइटिंग योर प्रोग्राम्स तब आपको सिंटैक्स एरर दिखने को मिलेंगे कंसिडर वन एग्जाम्पल पाइथन में वेरिएबल्स बनाने के लिए कुछ रूल्स है अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तब आपको सिंटैक्स एरर मिलेगा सपोज मैं वेरिएबल बनाता हूँ विच इज स्टार्टिंग विद अ डिजिट सो आई विल व्रिएट अबल वन ए दिस इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल एंड इसके लिए आपको सिंटैक्स एरर मिलेगा पहले आपको इस सिंटैक्स एरर को रिमूव करना पड़ेगा इस वेरिएबल को अकॉर्डिंग टू रूल लिखना पड़ेगा तब जाके आपका प्रोग्राम रन होगा सो सिंटैक्स एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जिनको आपको रिमूव करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू रन प्रोग्राम सो दिस इज आइडियली शेल ये शेल आपको मिलता है जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम यह शेल इंटर कमांड फॉर्म जैसा होता है पे आप सिंपल पाइथन रन कर सकते हैं एंड हियर यू कैन सी आई हैव रन दिस पाइथन स्टेटमेंट एंड इसने कुछ सिंटैक्स एरर जनरेट किया सो so जब भी सिंटैक्स एरर आता है तो पाइथन इंटरप्रिटर एरर का नाम कोलन एंड देन द एरर डिस्क्रिप्शन प्रिंट करता है एरर डिस्क्रिप्शन ये सजेशन होता है पाइथन प्रोग्रामर्स के लिए ताकि पाइथन प्रोग्रामर्स इस एरर को रिजॉल्व कर सके अब यहाँ पे एरर क्या है मिसिंग पैरिस इन कॉल टू प्रिंट प्रिंट एक फंक्शन है पाइथन में सो so, प्रिंट का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है ये जो गुड स्कोर है हमें पैरन्थीसिस के अंदर लिखना चाहिए था लेकिन हमने पैरंथीसिस नहीं दिया है दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द पाइथन रूल एंड इसीलिए सिंटैक्स एरर जनरेट हुआ अब इसे आपको रिमूव करना पड़ेगा पैरेंथिस इंसर्ट करने पड़ेंगे देन जाके आपका ये पाइथन स्टेटमेंट रन होगा ये हो गया शेल पे लेकिन जब आप स्क्रिप्ट बनाते हैं तो स्क्रिप्ट में आपको डायलॉग बॉक्स दिया जाता है फाइल एग्जाम्पल डॉट पाएस्कटॉप से पहले से प्रेजेंट ए फाइल एंड दिस इज द प्रोग्राम मैंने कॉपी कर लिया था टू सेव द टाइम

उसके बाद भी आपका प्रोग्राम फेल हो जाएगा कुछ एरर आ जाएगा एंड प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा एग्जाम्पल ट्राइंग टू ओपन अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट और डिविजन बाय जीरो सपोज आपने ऐसा प्रोग्राम लिख के रखा है जो किसी फाइल को ओपन करता है एंड रीड करता है अब फाइल का नेम आप यूजर से इनपुट लेंगे यूजर सपोज एंटर करता है वन डॉट टी एच टी अब ये फाइल कंसिडर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रेजेंट ही नहीं है तो आपके प्रोग्राम को फाइल नहीं मिलेगी एंड ये एरर कब जनरेट होगा ये रन टाइम पे जनरेट होगा सिंटैक्स एक्चुअली करेक्ट है देर इज नो सिंटैक्स एरर लेकिन जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा था इंटरप्रिटर के द्वारा तब आपको ये फाइल नहीं मिलेगी एंड आपका पाइथन प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा चलिए आई में ने एग्जाम्पल दिखाता हूँ सो दिस इज अंपल पाइथन स्क्रिप्ट जहां पे हम यूजर से दो नंबर इनपुट लेंगे एन वन एंड एन टू एंड देन उनका डिविजन करेंगे मैं इसे रन करता हूं प्रोग्राम रन हो रहा है पहला नंबर में एंटर करता हूँ टेन एंड दूसरा नंबर में एंटर करता हूँ जीरो अब ये रन टाइम पे उसे गलत वैल्यू मिल गई सो so ये ऑपरेशन हो जाएगा टेन डिवाइडेड बाय जीरो टेन डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट अ वैलिड ऑपरेशन ये प्रॉब्लम जनरेट कर देगा एक एक्सेप्शन रेज हो जाएगा एक्सेप्शन यानी एरर ही होता है सो एक्सेप्शन जनरेट होगा जीरो डिवीजन एरर एंड आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा तुरंत ही यू कैन सी जीरो डिवीजन एरर दिस इज एरर नेम डिवीजन बाय

उन्हें एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा अब जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड एरर्स आ सकते हैं इन एरर्स को हमें हैंडल करना पड़ेगा नहीं तो हमारा जो प्रोग्राम है एप्लीकेशन है वो ब्रेक हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा एंड इसे हैंडल करने के लिए हमें कुछ कोड लिखना पड़ता है बाय यूजिंग सम सिंटैक्स एंड इसी प्रोसेस को बोला जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग पहले हम बात करेंगे वट इज द नीड ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों जरूरी है एक्सेप्शन हैंडलिंग मैं मेरा पुराना वीडियो इंसर्ट कर दूंगा इसी प्ले में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप आपको सिंटैक्स एरर एंड एक्सेप्शन समझ में आया होगा विल सी यू नेक्स्ट टाइम